हेलो गाइस, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। भारत देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक तरीके से चल रही हैं, और वो अच्छे से चला रही हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और वहाँ से वो डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं और उनका प्रॉपर तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ना वह UGC में अप्रूव्ड हैं, किसी भी तरीके से उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन वह यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं और धड़ल्ले से अपनी डिग्रियां बेच रही हैं। तो बेसिकली आज आप जान पाएंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ सही है, कहाँ से हमें कोई भी डिग्री हासिल करनी चाहिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फेक है। हालाँकि फेक की लिस्ट हर साल घटती जा रही है, बिकॉज आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो चुका है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डे बाई डे इम्प्रूव हो रही हैं, लोग को संज्ञान में आ रहे हैं, लोग जान पा रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फेक है, कौन सी रियल है। तो इनकी लिस्ट घटती जा रही है और UGC भी इन पे एक्शन ले रहा है, जो आयोग है वो भी इन पे एक्शन ले रहा है, जिसकी वजह से इनकी लिस्ट में संख्या कम होती जा रही है। तो आज हम जानेंगे बेसिकली यूपी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक हैं, वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी फेक हैं, दिल्ली में कौन कौन सी फेक हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज, किस तरीके से हम चेक करेंगे, तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको जाना होता है UGC की वेबसाइट पर, जो कि आपकी वेबसाइट होती है UGC.gov.in। आपको बस टाइप कर देना है, मैंने पहले से टाइप कर रखा है, तो यहाँ पर चीज़ें आ गई हैं। तो UGC.gov.in पे आपको जाना है। जैसे ही इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि आपको चेक करना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फेक है या रियल है। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम यही जानने वाले हैं कि हम UGC की वेबसाइट से जाके, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर रहेंगी, वो रियल रहेंगी। जो यहाँ पर फेक हैं उनकी भी लिस्ट जारी करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं कन्फ्यूजन में ना रहें और अपना सही जगह से अपनी डिग्री हासिल करें। तो गाइज़, बेसिकली हमें करना क्या है, इस तरीके से जब आप UGC की वेबसाइट पर पहुँचोगे, तो यहाँ सीधा सीधा इन्होंने लिख रखा है फेक यूनिवर्सिटीज़, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके सामने वो लिस्ट होगी जो फेक यूनिवर्सिटीज़ की है। हर राज्य में जो जो यूनिवर्सिटीज़ फेक हैं उनकी लिस्ट आपके सामने होगी। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक हैं, जो फेक तरीके से चल रही हैं, बिल्कुल भी उनकी डिग्रियां वैलिड नहीं होंगी। हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक तरीके से चल रही हैं। वहाँ पर दिल्ली में अगर हम देखेंगे, तो दिल्ली में 8 ऐसे विश्वविद्यालय हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ फेक हैं, फेक तरीके से चल रही हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में देख सकते हैं कि उसमें क्या आपकी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर ये 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि फेक तरीके से चल रही हैं। वहीं पर आपने देखा आंध्र प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि फेक तरीके से चल रही हैं। उसके बाद हम कर्नाटका में आएंगे, तो कर्नाटका में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि आपका फेक तरीके से चल रहा है। केरला की बात करेंगे, तो एक ही यूनिवर्सिटी है, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, जो कि आपका फेक यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र में भी एक ही है जो कि फेक तरीके से चल रहा है। पांडुचेरी में भी एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि फेक तरीके से चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि फेक तरीके से चल रही हैं, इनकी डिग्रियाँ वैलिड नहीं हैं। तो बिल्कुल भी आप यहाँ से कोई भी कोर्स ना करें, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि यूपी के अंदर वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक तरीके से चल रही हैं। गाइज, आगे हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल में ए यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक तरीके से चल रही हैं। तो UGC में जो लिस्टेड हैं, इनके अलावा सारी यूनिवर्सिटीज़ सही हैं। ए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक तरीके से चल रही हैं, इनकी लिस्ट आपके सामने UGC हर साल जारी करता है। तो आप कभी भी कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ से डिग्री हासिल कर रहे हैं, वह आपकी डिग्री वैलिड होने वाली भी है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो गाइज़, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जो अपकमिंग वीडियोस हों वो आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।